सबको जय भीम। हम यहाँ गुलबर्गा के गुलबर्गा के हमारे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शेख एजाज अली के घर के पास है। हम अभी टीवी में सब तरफ स्टेट न्यूज़ एंड नेशनल न्यूज़ में एन आई करेड पीएफआई का अकाउंट एचडीएफआई का ऑफिस में घर में उनका लीडर के घर में ऐसा सब कुछ सुनने में आ रहे थे और मैसेज भी बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ भी कर रहे थे उन लोग। तो हम आए उनके अभी भी सैयद अपना शेख एजाज अली घर गए थे, उनके बापू जी से बात किया और सुबह 4 बजे 4-5 लेडी वुमेंस पुलिस एंड 7-8 पुलिस लोग घर में घुसकर और उनके घर तलाशी सर्च करके और उनका जो भी प्रॉपर्टीज का डॉक्यूमेंट से सब लेकर गए बोल के। तो अभी वो लोग बोल रहे थे और उनके घर में बच्चों के शादी है, शादी के लिए कुछ सामान ला कर रखे थे, सोना एंड कुछ पैसे और मस्जिद के कुछ पैसे, टोटली 14-15 लाख रुपीज़ उनके घर में जो शादी के लिए और कुछ मस्जिद का 4-5 लाख रुपये जो लेकर रखे थे वो सब पैसा लेकर गया और शेख एजाज अली को भी उन लोगों ने लेकर गया बोल के वो लोग बोल रहे थे। और अभी ये जो केजीएलडी डीजीएलडी के जो बेंगलुरु का जो इंसिडेंट हो गया था लास्ट कुछ दिनों पहले, वो इंसिडेंट में कल एक दो और एफआईआर हो गया, एक दो एफआईआर हो गया। वो एफआईआर के बारे में वहाँ की बेंगलुरु के कुछ पीएफआई के कुछ लीडर्स को वहाँ डिटेन कर दिया पुलिस ने। वही वो जो केस रिलेटेड ऑफ दैट केस, ये लोग एंटायर कर्नाटक के जो अभी कोप्पल का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट घर भी रेड किए थे लोग और यहाँ भी गुलबर्ग इनके घर आके यहाँ भी रेड किए हैं। तो मुझे लगता है एनआई का नहीं बोल रहे हैं, लोकल पुलिस है, पूरे यहाँ की जो भी पुलिस है यहाँ लोकल पुलिस है और दीपन कुमार जो आई एस ऑफिसर एसीपी उसी के नेतृत्व में यहाँ की टीम आकर उनको डिटेन करके गया बोल के हमें ये आया। लेकिन ये लोग जो हमारी देश का जो देश उद्धार करने वाले जो मीडिया है एन आई करेड बोल के जो मैसेज अफवाह फैला रहे ये टोटली गलत है। इन लोगों का एम एक ही है, पीएफआई को बदनाम करना, एसडीपीआई को बैन करना, दूसरा कुछ भी नहीं है इसमें। दूसरा इसमें कोई भी ये नहीं है, इनके घर में कहाँ से टीवी में ऐसा आ रहा था कि इन लोगों का ट्रांजैक्शन क्या है, बैंक अकाउंट क्या है, कितना पैसा आया, क्या क्या खर्च किया, कहाँ से खर्च कर रहे हैं और कहाँ से पैसा, ये ढूंढ रहे हैं हमने, ये चेकअप कर रहे बोल रहे हैं। इनको हमारे देश के पुलिस को ये भी मालूम होना चाहिए और एनआईए जो है उनको भी मालूम होना चाहिए। आरएसएस को ऑल ओवर वर्ल्ड से पैसा आता, इडी वर्ल्ड फंडिंग करता उनको। कोई एक आरएसएस का ऑफिस तो रेड किया तुम लोगों ने, कोई आरएसएस लीडर घर जाके उनको कोई डिटेल किया तुमने, किसी को कुछ नहीं किया। तो जाके मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, ये मुसलमानों के बदनाम की बात नहीं है, इनके यही एक ही है। अभी मैंने सुना कि अपना देश के जो होम मिनिस्टर है तो अपना अमित शाह, उसने इमरजेंसी मीटिंग बुलाया बोल के, ऑफिसर्स की इमरजेंसी मीटिंग बुलाया कि ये एसडीपी एंड पीएफआई को बैन करने के बारे में सोच रहे बोल के आ रहे। अरे हम बोलते हैं देश के नागरिक, बैन करना है तो पहला आरएसएस को बैन करना, संघ परिवार की जितना भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उन ऑर्गेनाइजेशन को, ये जो गुलबर्ग की इतना ये जो खतरनाक आरएसएस जो संघ परिवार की एक श्री राम सेने के भी जो पूरा आग लगाते घूम रहे हैं तो क्या कर रहे हैं उनको, त्रिनाड से उन्होंने केस उनके ऊपर 353A में केस है उनके ऊपर और 354 में केस है उनके ऊपर, रौडी चिट ओपन कर रहा है यहाँ की पुलिस, लात मार कर श्रीराम सेन के मुकुट को, जो चीफ है, जो बास है, जो लीडर है उनको सेल में बंद करना चाहिए। क्या किया है लोग पुलिस, या होम मिनिस्टर को मालूम नहीं होता, कर्नाटक होम मिनिस्टर को, या हमारे चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक इसको मालूम नहीं होता है उनको, ऐसा तुम्हारे गद्दार लोगों को, तुम्हारे गुंडा लोगों को तुम छोड़कर मुसलमान जो इसके ऊपर केस है, ऐसे केस है, ऐसा के ऊपर कोई केस है क्या?
जो जो कोरोना काल में लोग मर रहे थे, लोगों के घर घर जाके लोग खाना किया, खाना खिलाया इन लोगों ने, ऑक्सीजन सप्लाई किया इन लोगों ने, गरीब लोगों को पैसा दिया इन लोगों के, गरीब लोगों के फूड किट्स घर घर तक पहुँचाए इन लोगों ने। यही गलती है इन लोगों का। संघ परिवार लोगों क्या किए तुमने, श्री रामचंद्र के कुत्ते लोग क्या किए तुमने, कुछ भी नहीं किए। श्री रामचंद्र के प्रमोद मुतालिक बेलगाम के जंगल फॉरेस्ट एरिया में बंदूक का ट्रेनिंग देता, बंदूक कैसे चलाना ट्रेनिंग देता। क्या किया तुम श्री रामचंद्र के मुतालिक को, इन दाड़े घुमाने को उसको परमिशन दिया तुम लोगों ने, जो जेल में सड़ना चाहिए ऐसा गद्दार लोगों को, देशद्रोही लोगों को तुम सपोर्ट करते पीछे रहकर। ये टोटली ये बीजेपी जो आरएसएस का जो प्लान है, हिडन एजेंडा है, हिडन एजेंडा को लेकर मुसलमानों को बदनाम करने का एक डर है उनको। एक डर क्या है बीजेपी को, ये जो दिन जो हर सेकंड, हर एवरी मिनट ये पीएफ एंड एसडीपी का ताकत बढ़ रहे हैं ऑल ओवर कर्नाटक में, ऑल ओवर इंडिया में। और उनको मालूम है कि कांग्रेस के कुछ नहीं चल रहे, बीएसपी का खत्म हो गया, और वो जेडीयू जो छोटा मोटा जो कम्युनिस्ट पार्टी सब खत्म कर दिया हमने। ये जो एसडीपी है, केडर बेस्ड पार्टी है, इनमें जो हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग ज्वाइन हो रहा है। अगर इन लोगों को ऐसा छोड़ दिया तो ये लोग हमें नहीं छोड़ता, सत्ता में आता बोल के यही कोलैप्स करने के, यही एक बदनाम करने के लिए। ये पहला कांग्रेस चाबी करके छोड़े थे, कांग्रेस पार्टी के लोग ये एक आवाज उठा कर छोड़े थे, उनसे नहीं हो गया था। ये जो इम्प्लीमेंट कर रही है बीजेपी के लोग, संघ परिवार के लोग, ये होने वाली बात नहीं है, ये होने वाली बात नहीं है। तुम तकलीफ दे सकते हो, तुम डरा सकते हो, तुम और अफवाह फैला सकते हो कि मुसलमान टेरर है बोल के, ये क्या साबित होता है? ये दिन में आकर इसको घर सर्च नहीं कर सकते तुम, रात 3 बजे का के घर में भी बच्चों लोग रहता, कितने डरे हो, उनका बाप ब्लड प्रेशर पेशेंट है तो क्या पीता मालूम नहीं इनको। एक टेरर के घर तक भी तुम ऐसा नहीं जा सकते है, ऐसे गरीब लोगों के, एक सोशल वर्क घर के, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया क्या कर रहे हो तुमको, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की क्या क्या गलती है अभी इस देश में। ये पर्पोजली ये कर रहे हैं हमने, ये जो ये शेख एजाज अली है और हमारा दोस्त और शाहिद नासिर जो केरला से आने के टाइम में उनको बस से या ट्रेन से उसको डिटेन किया बोल के हमने सुना है। और इन 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 जो ऑर्गेनाइजेशन से पीएफआई हो और एसडीपीओ उनके साथ दलित सेना है, और जो शेख एजाज भाई है इनके साथ, इनकी फैमिली के साथ दलित सेना पूरा टीम खड़े रहेंगे और इनके साथ लड़कर हम फाइट हम इनके साथ रहकर हम लड़ेंगे। और उनके फादर एंड मदर को हमने बोल कर आया, भाई आप चिंता मत करिए, कुछ नहीं होता। अगर ये लोग अपने जो बीजेपी संघ परिवार की सरकार, ये पुलिस एंड NIA और ED ये कुछ भी जो ऑर्गेनाइजेशन को अपने कठपुतले बनकर इनको नचाने की कोशिश कर रहा है तो हम उसको ऐसा करने नहीं देंगे। वो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन से इंडिपेंडेंट काम करने दो। ये हमारे गुलबर्ग पुलिस को मालूम है यहाँ की SDPI क्या कर रहे हैं और PFI क्या 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 है, और ये लोग ने और कितना समाज के लिए काम किया, और ये कोरोना काल में ये लोग कितना काम किए, बल्कि हमारे लोकल ग्लोबल पुलिस को मालूम है। और ये हमें सुनने में आया नॉर्थ DCP नॉर्थ जो बेंगलुरु का DCP नॉर्थ बेंगलुरु का जो वहाँ DGLM का जो केस हो गया, वो उस केस के रिलेटेड में कुछ इन लोगों का हाथ है क्या, देखो बोल के ये मैसेज आया बोल के ये लोग आके रेड किया बोल के हमें सुनने में आया। हमने बोलते यही अगल बगल में दो रोज आग लगाते हैं जो प्रमोद मुतालिक को, कुछ लोग आके दिन दाड़े दो अन्य धर्म के लोगों के बार वो ये करके जाते हैं, उनको छोड़ देते तुम। ये जो शांत समाधान से, ये जो लीगली एंड इंटीरियर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो उनसे दायरे में जो काम करते हैं, जो सोशल जस्टिस के लड़ रहे हैं, इन लोगों को तुम डाउट के हिसाब से, डाउट के ऊपर तुम अरेस्ट करते हैं, ऐसा जो खतरनाक गेम खेलवा के उनके सामने इतने सारे पुलिस जवान ला के और बहुत सारे पुलिस को घर के सामने लगा के खड़ा करके, ये गलत बात नहीं है। रॉन्ग मैसेज तुम लोगों ने कैरी कर रहे हो, कर्नाटक सरकार ठीक न कर रहे हो। स्वतंत्र पूर्व मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, स्वतंत्र पूर्व जो इंडियन यहाँ के लोग स्वतंत्र संग्राम के लड़ रहे थे,
संघ परिवार के हरामखोर लोग, जो ये लोग जो स्वातंत्र के ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे, तो इन लोगों ने उनके खिलाफ जो स्वतंत्र संग्राम के खिलाफ लड़ रहे थे उनके खिलाफ ये लोग लड़ रहे थे, वही लोगों का ये जो संतान अब ये नाटक करने की कोशिश कर रहे हैं। वही तुम लोगों के ये जो उद्देश्य थे वही वजह से इंडिया ये डिवाइड होकर पाकिस्तान बन गया तुम लोगों की वजह से, और ये मुसलमानों को तुम अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, ये होने नहीं देंगे हम, ये ठीक बात नहीं है, अच्छा नहीं है, हम नहीं छोड़ेंगे तुमको, ये होने नहीं देंगे। सबको जय भीम। हम यहाँ गुलबर्गा, ये गुलबर्गा के हमारे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शेख एजाज अली के घर के पास है। हम अभी टीवी में सब तरफ स्टेट न्यूज एंड नेशनल न्यूज में एन आई करेड पीएफआई का और एसडीपीआई का ऑफिस में घर में और उनका लीडर के घर में ऐसा सब कुछ सुनने में आ रहे थे, और मैसेज भी बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ भी कर रहे थे उन लोग। तो हम आए उनके अभी सैयद अपना शेख हैज़ाज़ अली घर गए थे, उनके बापू जी से बात किया, और सुबह 4 बजे 4-5 लेडी वुमेंस पुलिस एंड 7-8 पुलिस लोग घर में घुसकर और उनके घर तलाशी और सर्च करके और उनका जो भी प्रॉपर्टीज का डॉक्यूमेंट से सब लेकर गए बोल के। तो अभी वो लोग बोल रहे थे, और उनके घर में बच्चों के शादी है, शादी के लिए कुछ सामान ला कर रखे थे, सोना एंड कुछ पैसे और मस्जिद के कुछ पैसे, टोटली 14-15 लाख रुपीस उनके घर में जो शादी के लिए और कुछ मस्जिद का 4-5 लाख रुपए जो लेकर रखे थे वो सब पैसा लेकर गया, और शेख एजाज़ अली को भी उन लोगों ने लेकर गया बोल के वो लोग बोल रहे थे। और अभी ये जो केजीएलडी डीजीएलडी के जो बेंगलुरु का जो इंसिडेंट हो गया था लास्ट कुछ दिनों पहले, वो इंसिडेंट में कल एक दो और एफआईआर हो गया, वो एफआईआर के बारे में वहाँ की बेंगलुरु के कुछ पीएफआई के कुछ लीडर्स को वहाँ डिटेन कर दिया पुलिस ने, वही वो जो केस रिलेटेड ऑफ दैट केस, ये लोग एंटायर कर्नाटक के जो अभी कोप्पल का मुझे लगता कोप्पल का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट घर भी रेड किए थे लोग, और यहाँ भी गुलबर्ग इनके घर आके यहाँ भी रेड किया है, तो मुझे लगता है एनआई का नहीं बोल रहे हैं, लोकल पुलिस है, पूरा यहाँ की जो भी पुलिस है यहाँ लोकल पुलिस है, और दीपन कुमार जो आई एस ऑफिसर एसीपी उसी के नेतृत्व में यहाँ की टीम आकर उनको डिटेन करके गया बोल के हमें ये आया। लेकिन ये लोग जो हमारी देश का जो देश उद्धार करने वाला जो मीडिया है एन आई का रेड बोल के जो मैसेज अफवाह फैला रहे ये टोटली गलत है। इन लोगों का एम एक ही है, पीएफआई को बदनाम करना, एसडीपीआई को बैन करना, दूसरा कुछ भी नहीं है इसमें, दूसरा इसमें कोई भी ये नहीं है। इनके घर में को कहाँ से टीवी में ऐसा आ रहा था कि इन लोगों का ट्रांजैक्शन क्या है, बैंक अकाउंट क्या है, कितना पैसा आया, क्या क्या खर्च किया, कहाँ से खर्च कर रहे हैं और कहाँ से पैसा ये ढूंढ रहे हैं, हमने ये चेकअप कर रहे बोल रहे हैं। इनको हमारे देश के पुलिस को ये भी मालूम होना चाहिए, और एनआईए जो है उनको भी मालूम होना चाहिए, आरएसएस को ऑल ओवर वर्ल्ड से पैसा आता, इडी वर्ल्ड फंडिंग करता उनको, कोई एक आरएसएस का ऑफिस तो रेड किया तुम लोगों ने, कोई आरएसएस लीडर घर जाके उनको कोई डिटेन किया तुमने, किसी को कुछ नहीं किया, तो जाके मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, ये मुसलमानों के बदनाम की बात नहीं है, इनके यही एक ही है। अभी मैंने सुना कि अपना देश के जो होम मिनिस्टर है तो अपना अमित शाह, उसने इमरजेंसी मीटिंग बुलाया बोल के, ऑफिसर्स की इमरजेंसी मीटिंग बुलाया कि ये एसीडीपी एंड पीएफए को बैन करने के बारे में सोच रहे बोल के रहे। अरे हम बोलते हैं देश के नागरिक, बैन करने तो पहला आरएसएस को बैन करना, संघ परिवार की जितना भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उन ऑर्गेनाइजेशन को, ये जो गुलबर्ग इतना ये जो खतरनाक जो संघ परिवार के एक श्रीराम सेने के भी जो पूरा आग लगाते घूम रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं उनको
307 केस उनके ऊपर, 353A में केस है उनके ऊपर, और 354 में केस है उनके ऊपर। रौड़ी सीट ओपन करना यहाँ की पुलिस लात मारकर श्रीराम चंद्र के मुकुट को, जो चीफ है, जो बॉस है, जो लीडर है, उनको सेल में बंद करना चाहिए। क्या किया है लोग पुलिस, या होम मिनिस्टर को मालूम नहीं था, कर्नाटक होम मिनिस्टर को, या हमारे चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक इसको मालूम नहीं होता है? उनको ऐसा, तुम्हारे गद्दार लोगों को, तुम्हारे गुंडा लोगों को तुम छोड़कर मुसलमान जो इसके ऊपर केस है, ऐसे केस ऐसा के ऊपर कोई केस है क्या? जो जो कोरोना काल में लोग मर रहे थे, लोगों के घर घर जाके लोग खाना किया, खाना खिलाया इन लोगों ने, ऑक्सीजन सप्लाई किया इन लोगों ने, गरीब लोगों को पैसा दिया इन लोगों के, गरीब लोगों के फूड किट्स घर घर तक पहुँचा इन लोगों ने। यही गलती इन लोगों का। संघ परिवार लोगों क्या किया, श्री रामचरण के कुत्ते लोग क्या किए तुमने? कुछ भी नहीं किए। श्री रामचरण के प्रमोद मुतालिक बेलगाम के जंगल फॉरेस्ट एरिया में बंदूक का ट्रेनिंग देता, बंदूक कैसे चलाना ट्रेनिंग देता। क्या किया तुम श्री रामचरण के मुतालिक को? इन दाड़े घुमाने को उसको परमिशन दिया तुम लोगों ने, जो जेल में सड़ना चाहिए। ऐसा गद्दार लोगों को, देशद्रोही लोगों को तुम सपोर्ट करते पीछे रहकर। ये टोटली ये बीजेपी जो आरएसएस का जो प्लान है, हिडन एजेंडा है, हिडन एजेंडा को लेकर मुसलमानों को बदनाम करने का एक डर है उनको। एक डर क्या है बीजेपी को, ये जो दिन जो हर सेकंड, हर एवरी मिनट ये पीएफ एंड ये एसडीपी का ताकत बढ़ रहे हैं ऑल ओवर कर्नाटक, ऑल ओवर इंडिया में। और उनको मालूम है कि कांग्रेस के कुछ नहीं चल रहे, बीएसपी का खत्म हो गया, और वो जेडीयू जो छोटा मोटा जो कम्युनिस्ट पार्टी सब खत्म कर दिया हमने। ये जो एसडीपी है, केडर बेसर पार्टी है, इनमें जो हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग ज्वाइन हो रहा है। अगर इन लोगों को ऐसा छोड़ दिया तो ये लोग हमें नहीं छोड़ता सत्ता में आता बोल के, यही कोलैप्स करने के, यही एक बदनाम करने के लिए। ये पहला कांग्रेस चाबी करके छोड़े थे, कांग्रेस पार्टी के लोग ये एक आवाज उठा कर छोड़े थे, उनसे नहीं हो गया था। ये जो इम्प्लीमेंट कर रही है बीजेपी के लोग, संघ परिवार के लोग, ये होने वाली बात नहीं है, ये होने वाली बात नहीं है। तुम तकलीफ दे सकते हो, तुम डरा सकते हो, तुम और अफवाह फैला सकते हो कि मुसलमान टेरर है बोल के। ये क्या साबित होता है? ये दिन में आकर इसको घर सर्च नहीं कर सकते तुम, रात 3 बजे का के घर में बीवी बच्चा रहता, कितने डरे हो, उनका बाप ब्लड प्रेशर पेशेंट है तो क्या पीता मालूम नहीं इनको। एक टेरर घर तक भी तुम ऐसा नहीं जा सकते है, ऐसे गरीब लोगों के एक सोशल वर्क घर के पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया क्या कर रहे हो तुमको? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की क्या क्या गलते है अभी इस देश में? ये पर्पोजली ये कर रहे हैं हमने, ये जो ये शेख एजाज अली है और हमारा दोस्त और शाहिद नासिर जो केरला से आने के टाइम में उनको बस से या ट्रेन से उसको डिटेन, पुलिस ने डिटेन किया बोल के हमने सुना है। और इन 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 जो ऑर्गेनाइजेशन से पीएफआई हो और एसडीपी हो, उनके साथ दलित सेना है, और जो शेख एजाज भाई है इनके साथ, इनकी फैमिली के साथ दलित सेना पूरा टीम खड़े रहेंगे, और इनके साथ लड़कर हम लड़ेंगे। और उनके फादर एंड मदर को हमने बोल कर आया, भाई आप चिंता मत करिए, कुछ नहीं होता। अगर ये लोग अपने जो बीजेपी संघ परिवार की सरकार, ये पुलिस एंड NIA और ED, ये कुछ भी जो ऑर्गेनाइजेशन को अपने कठपुतली बनकर इनको नचाने की कोशिश कर रहा है, तो हम उसको ऐसा करने नहीं देंगे। वो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन से इंडिपेंडेंट काम करने दो। ये हमारे गुलमर्ग पुलिस को मालूम है यहाँ की SDPI क्या कर रहे हैं और PFI क्या 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 है, और ये लोग ने और कितना समाज के लिए काम किया, और ये कोरोना काल में ये लोग कितना काम किया, बल्कि हमारे लोकल ग्लोबल पुलिस को मालूम है। और ये हमें सुनने में आया नॉर्थ DCP नॉर्थ जो बेंगलुरु का DCP नॉर्थ बेंगलुरु का जो वहाँ KGL में जो केस हो गया, वो उस केस के रिलेटेड में कुछ इन लोगों का हाथ है क्या, देखो बोल के ये मैसेज आया बोल के ये लोग आके रेड केबल के हमें सुनने में आया। हमने बोलते यही अगल बगल में दो रोज आग लगाते जो प्रमोद मुतालिक को कुछ लोग आके दिन दाड़े दो अन्य धर्म के लोगों के बार वो ये करके जाते, उनको छोड़ देते तुम। ये जो शांत समाधान से ये जो लीगली
एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो उनसे दायरे में जो काम करते हैं, जो सोशल जस्टिस के लड़ रहे हैं, उन लोगों को, इन लोगों को तुम डाउट के हिसाब से, डाउट के ऊपर तुम अरेस्ट करते हैं, ऐसा जो खतरनाक गेम खेलवा के उनके सामने इतने सारे पुलिस वाहन ला के और बहुत सारे पुलिस को घर के सामने लगा के खड़ा करके, ये गलत बात नहीं है, रॉन्ग मैसेज तुम लोगों ने कैरी कर रहे हो, कर्नाटक सरकार ठीक न कर रहे हो। स्वतंत्र पूर्व मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, स्वतंत्र पूर्व जो इंडियन, ये जो इंडियन यहाँ के लोग स्वतंत्र संग्राम के लड़ रहे थे, संघ परिवार के हरामखोर लोग, जो ये लोग जो स्वतंत्र स्वतंत्र के जो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे, तो इन लोगों ने उनके खिलाफ जो स्वतंत्र संग्राम के खिलाफ लड़ रहे थे उनके खिलाफ ये लोग लड़ रहे थे, वही लोगों का ये जो संतान अब ये नाटक करने की कोशिश कर रहे, वही तुम लोगों के ये जो उद्देश्य थे वही वजह से इंडिया ये डिवाइड होकर पाकिस्तान बन गया तुम लोगों की वजह से, और ये मुसलमानों को तुम अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, ये होने नहीं देंगे हम, ये ठीक बात नहीं है, अच्छा नहीं है, हम नहीं छोड़ेंगे तुम, ये होने नहीं देंगे। अब मुंजाने रेड हाँतिर लोकल पोलिस Thank you.